सुबह का टाइम और आज ऐसे देखे ना तो गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति की स्थापना करते हैं वो दिन है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो अभी मैं हो रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो भी रेडी हो रहा है और अभी हम लोग जाएंगे नीचे जहाँ पे गणपति बिठाए हैं उधर, और उधर गणपति की स्थापना है और सुबह की जो आरती होती है वो होने वाली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और अभी देखे ना तो सुबह का नाश्ता ही किया है। सब रूटीन काम जो होता है ना ऐसे ही ऐसे घर जो है ना पड़ा है, तो वो नीचे से आके मैं फिनिश करूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्णा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं नीचे जहाँ पे गार्डन में गणपति बिठाए हैं। तो ऐसे देखो गणपति की मूर्ति है ना ऐसी है, और ऐसे देखे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी ऐसे गणपति की मूर्ति ऐसे देखते हैं। तो अभी ऐसे देखे ना तो गणपति स्थापना की जो पूजा चलती है ना वो चल रही है। तो बच्चे लोग को ऐसे देखे ना तो पूजा में ऐसे देखे ना तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी बच्चे लोग तो ऐसे देखे ना तो पूरे गार्डन में खेल रहे हैं, और यहाँ पे देखो बच्चे लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखो ऐसे लटक रहे हैं। तो सभी बच्चे ऐसे देखे ना तो लाइन में खड़े हो गए हैं एक के बाद एक, सभी बच्चे इधर ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि बच्चे भी, छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी भगवान का रूप ही होता है। तो अभी देखो सभी बच्चे जो है ना ऐसे इधर लाइन में खड़े हुए हैं कि एक के बाद एक ऐसे पेड़ के ऊपर खेल रहे हैं। और उसके बाद नीचे हमने भगवान की आरती और जो पूजा होती है वो की, और वो करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और यहाँ पे मेरे बेटे को होमवर्क करवाने के लिए बिठाया है और मैं लग जाऊँगी सुबह का काम करने के लिए। और उसके बाद सुबह का काम फिनिश किया और दोपहर का खाना वाना सब कुछ बनाया। और आज ऐसे देखे ना तो गणेश चतुर्थी है, तो हम लोग हमारे घर पे भी जो मंदिर में गणपति होते हैं ना उसकी पूजा करते हैं इस ये दिन। और इसीलिए यहाँ पे मैं दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बर्तन दोपहर के धुले हुए पड़े हैं ना वो बर्तन ऐसे में बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ। और ऐसे देखे ना तो रात के टाइम गणपति की पूजा करने के लिए अभी मुझे मोदक जो है वो बनाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी 1.5 कप जितना जो गेहूं का आटा होता है वही लिया है। तो मोदक बनाने के लिए ऐसे देखे ना तो मैं तो बड़ा जो आटा आता है ना गेहूँ की रोटी का वो यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी है ना मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए 1/2 कप जितनी सूजी जो है वो मैंने इसमें डाल दी है ताकि वो मोदक जो है वो अच्छे बनेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 4 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको ऐसे आटा लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे गुनगुना जो पानी होता है ना, थोड़ा सा ही गुनगुना पानी है उससे मैं एकदम टाइट आटा जो है वो मैं लगा लेती हूँ। और आटा लगाने के बाद इसको ऐसे हाथों की मदद से ऐसे मुठिया बोलते हैं हम लोग ऐसा शेप में, इसको ऐसे शेप में मैं इसको सभी आटे को ऐसे मुठिया बना लूँगी। अभी सभी आटे में से मैंने ऐसे मुठिया जो है वो मैंने बना लिए हैं। और इसके बाद इसको तलने के लिए मैंने ऐसे ऑयल जो है ना गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसको सभी मुठिया को जो है सबसे पहले मैं तल लेती हूँ। और ऐसे देखे ना तो मुठिया को ऐसे ब्राउन रंग के हो तब तक इसको ऐसे मैंने तल लिया है। और सभी मुठिया ऐसे तल जाने के बाद इसको मैं ऐसे तोड़ के रख देती हूँ ताकि ये जो है ना मुठिया थोड़े थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे हो जाने के बाद इसको ऐसे मिक्सी जार में डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद इसको ऐसे छलनी से मैं छान लेती हूँ।
तो अभी यहाँ पे सभी जो मुठिया है वो मैंने पीस के इसको ऐसे छान लिया है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो को इतना काम किया है तो अभी किचन में देखे ना तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो सबसे पहले किचन जो है ना ऐसे क्लीन कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे मोदक मुझे बनाने हैं, तो ऐसे मोदक का जो शेप आता है वो मेरे पास है तो वो आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले किचन जो है ना प्लेटफॉर्म वो क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद जो काम आगे का है वो करने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद एक कढ़ाई में मैंने ऐसे 1/4 कप जितना घी ले लिया है, और घी अच्छे से मेल्ट हो गया। उसके बाद इसमें मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा गुड़ लिया है, और गुड़ को इसमें मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद इसको मैंने मीडियम गैस की आँच पे गुड़ और घी अच्छे से मिक्स हो गया ऐसे, और एक इससे उबाल आ गया तब तक इसको ऐसे मैंने गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद ये जो मुठिया मैंने पीस के रखे हैं उसमें इसको मैं डाल दूंगी, और चम्मच से अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। और अच्छे से ये मिश्रण मिक्स हो गया, उसके बाद हल्का ऐसे ठंडा हो गया है। और अभी इसको ऐसे मेरे पास मोदक का मोल्ड पड़ा हुआ है तो इसमें इसको ऐसे ऊपर से भर देती हूँ, और उसके बाद भरने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे खोल के इसमें से मोदक जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा ऐसे मोदक शेप में लड्डू जो है वो बन गया है। तो ऐसे देखे ना तो मैं हम लोग गोल शेप में तो लड्डू बनाते ही है, लेकिन ऐसे मोदक शेप में आज बनाए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लड्डू जो है ना वो मैंने बना लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि अभी दाल और चावल जो है ना ऐसे अच्छे से वॉश करके भिगोने के लिए रख देती हूँ, ताकि शाम के टाइम वो जल्दी ऐसे बन जाएगा। और ऐसे देखे ना तो शाम के टाइम आज गणपति की मेरे घर पर ऐसे पूजा भी करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं दाल और चावल ऐसे वॉश करके ऐसे भिगोने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इतना काम किया तो बर्तन जो है ना बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो बर्तन जो है वो भी वॉश कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं ये इतना काम किया तो उसके जो बर्तन इकट्ठा हुए हैं वो ऐसे वॉश कर लेती हूँ। पे हो रहा है शाम का टाइम, और अभी मैंने जो गणपति के लिए लड्डू बनाए हैं मोदक, वो अभी गणेश चतुर्थी है आज, तो उसके लिए भोग लगाना है और गणपति की पूजा भी करनी है, तो उसकी जो तैयारी है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे दाल और चावल जो है वो मैंने पकाने के लिए रख दिए हैं। तो अभी यहाँ पे गणपति की पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं आसन रेडी कर लेती हूँ। तो अभी लाल कपड़ा जो है वो मैंने आसन पे बिछा दिया है, और ऐसे देखे ना तो ऐसा लाल कपड़ा मैं एक्स्ट्रा घर में रखती हूँ, ताकि कभी कभी ऐसे पूजा या कुछ करना होता है तो तब भी ऐसे काम आता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे भगवान के मंदिर की पूजा कर लेती हूँ, यानी कि संध्या पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं गणपति जी की पूजा। और मैंने पहले इस साइड बिछाया था आसन, लेकिन उसके बाद सामने की साइड कर दिया है। और अभी यहाँ पे थाली जो है वो मैंने रेडी कर ली है भगवान की पूजा करने के लिए, और मेरे हस्बैंड है वो भी ऐसे आ गए हैं ऑफिस से, और यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठ गए हैं भगवान गणपति जी की पूजा करने के लिए। और मैं ऐसे पूजा मेरी मम्मी और मेरे सास जैसे करते हैं वैसे ही करूंगी, और भगवान को यही कहूंगी कि मेरी पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। तो अभी यहाँ पे गणपति की पूजा हम लोग कर लेते हैं। और गणपति की पूजा करने के बाद ऐसे देखे ना तो गणपति जी की आरती की, और गणपति जी को मोदक जो मैंने बनाया है ना उसका भोग लगाया। ओम गम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
तो अभी यहाँ पे गणपति जी की पूजा जो है वो मैंने कर ली है, और उसके बाद हम लोग ऐसे बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और मेरा बेटा जो है वो किसी की बर्थडे है तो उधर गया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।